दोस्तों, अगर आप अपना पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं और पासपोर्ट बनवाने के लिए आप अपना नज़दीकी पासपोर्ट ऑफिस देखना चाहते हैं, तो आप किस तरह से अपने एरिया के पिन कोड से अपने नज़दीकी पासपोर्ट ऑफिस का पता लगा सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको इसकी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। सो फ्रेंड, मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं स्टॉक इन्फॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र या फिर गूगल ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है www.passportindia.gov। इसको आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस डिस्प्ले हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपके सामने इस तरह का जो है COVID-19 का जो एडवाइजरी है उसका पॉपअप आ जाएगा। इसको आप कट कर देंगे। कट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर पासपोर्ट इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, थोड़ा जूम हम यहाँ पर कर लेते हैं। जूम करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, लोकेट पासपोर्ट सेवा केंद्र। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप दो तरह से अपने नज़दीकी पासपोर्ट ऑफिस को देख सकते हैं। पहला है कि आप जिस शहर में भी पासपोर्ट ऑफिस है उसके शहर का नाम सेलेक्ट करके आप उसके आसपास जितने भी यहाँ पर भी पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं उनकी लिस्ट आप यहां पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको सिलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहां पर जहां पर भी पासपोर्ट ऑफिस हैं उनके ना शहर के नाम यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि हम यहां पर दिल्ली में देखना चाहते हैं कि दिल्ली में यहां पर कहां कहां पर पासपोर्ट बन रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको दिल्ली सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, लोकेट POPSK। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। अब दिल्ली में जहाँ जहाँ पर भी पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं उनकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं PSK गुड़गांव और PSK हेड और हाउस ऑफ न्यू दिल्ली। यहाँ पर आप इस तरह की जानकारी देख सकते हैं। पूरा ही एड्रेस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी लिस्ट हमारे सामने ओपन हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप पिन कोड से किस तरह से चेक करेंगे। तो आपको यहाँ पर पिन कोड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जहाँ पर भी आप पासपोर्ट बनवा रहे हैं जो भी आपका एरिया का पिन कोड है उसको आप यहाँ पर डालेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड डाल देते हैं, 24 42 31, ये हमारे एरिया का पिन कोड है, इसको हमने यहाँ पर डाल दिया है। इसके बाद लोकेट POPSK, इस पर हम इसको हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमारे सामने दोबारा से एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर जो हमारा पिन कोड हमने यहाँ पर डाला है उस पिन कोड पर जहाँ जहाँ पर भी पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं उनकी लिस्ट हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे इस पिन कोड पर कई जगह पर अब पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं, जैसे कि अमरोहा, बदायूं, बरेली, बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर, शाहजहाँपुर, अमरोहा, बदायूं और जी बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत। यहाँ पर आपको इस तरह से जानकारी देखने के लिए मिल जाती है। तो आप भी इसी तरह से अपने एरिया का पिन कोड डालकर अपने नज़दीकी पासपोर्ट ऑफिस का पता लगा सकते हैं और अपना पासपोर्ट नज़दीकी पासपोर्ट ऑफिस में बनवा सकते हैं। इसी अपडेट के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे कि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक।